हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास थर्ड ईवीएस। इन टुडेज़ क्लास वी स्टडी अबाउट द फ्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। फ्यूल्स फॉर कुकिंग फूड, फर्स्ट वन इज ऑफ केरोसिन। केरोसिन ऑयल सबने देखा हुआ, ब्लू कलर का दिखता है थोड़ा थोड़ा सा। केरोसिन, दिस इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इज यूज्ड इन केरोसिन स्टोव। ये केरोसिन स्टोव है, पुराने टाइम पे आपने देखा है, अगर किसी के घर में हो अभी भी तो देख सकते हो कि ये केरोसिन स्टोव है। इसमें ये टैंक होता है, इसमें केरोसिन ऑयल फिल करते हैं और ये पंपिंग सिस्टम है, पंप है, इसको एयर पंप करके हम, और केरोसिन ऊपर आता है, मैचस्टिक ग्लो करके हम इस पर लगाते हैं तो ये बर्न होता है और इस पर हम खाना पका सकते हैं। इट नीड्स टू बी गिवन प्रेशर बाय पम्पिंग एयर इन इट, इट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग फ्लेम। फिर ये एक अच्छी सी फ्लेम देता है जिसमें हम खाना पका सकते हैं अच्छे से। कोल, ये है अंगीठी जिसमें हम जो लकड़ी जलाने के बाद लेफ्ट रह जाता है उस रेसिड्यू को हम कोल कहते हैं, और उसको हम यहाँ पे वापस से बर्न कर सकते हैं अंगीठी के अंदर रख के। सिगड़ी भी बोलते हैं इसको, उसमें हम वापस से कोल को बर्न कर सकते हैं और उससे खाना पका सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की सिगड़ी भी गांव में आपको देखने को मिल सकती है। कोल, दिस इज़ ए फ्यूल दैट बर्न फॉर ए फ्यू लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम एंड इज़ बर्न इन द स्टोव मेड ऑफ आयरन, मीन्स अंगीठी, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल। देन चारकोल, चारकोल तंदूर में काम में आता है, तंदूर के अंदर जो फ्लेम बनानी हो तो हम चारकोल का यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज्ड मेड ऑफ वुड एंड इज़ यूज्ड इन द आयरन स्टोव एंड तंदूर, इसको भी हम आयरन स्टोव और तंदूर के अंदर काम में ले सकते हैं। देन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आजकल हर घर में आपको दिखाई देती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वहाँ पे गैस आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो ये तो गैस है जिसको हम बर्न करते हैं, और ये सिलेंडर है जिसमें वो गैस फिल होती है, पाइप के थ्रू वो गैस बर्नर तक आती है और हम उसको मैचस्टिक ग्लो करके और बर्न करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दिस इज़ ए फ्यूल सप्लाइड इन सिलेंडर। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म इज फिल्ड इन द सिलेंडर्स एंड दे आर कनेक्टेड टू गैस स्टोव थ्रू ए पाइप। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग देम, हम बहुत केयरफुली उसको यूज़ करेंगे। सोलार एनर्जी, जो सन से हीट आती है उस हीट को यूज़ करके और हम सोलार एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, उसे हम खाना भी पका सकते हैं। ये सोलार कुकर है, जो पिक्चर आपको दिख रही है पूरा टोटल ब्लैक कलर का होता है और इसके अंदर यूटेंसिल्स भी ब्लैक कलर के होते हैं और उसके अंदर हम खाना पका सकते हैं। सोलार एनर्जी, सनलाइट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ हीट, सोलार हीटर रन ऑन सोलार एनर्जी। सोलार हीटर हैव मिरर इन दैम विच रिफ्लेक्ट बैक हीट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन दैम and this reflect heat falls on the utensils placed in the heater and thus food is cooked। यहाँ पे चार तरफ ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास जो हीट इसके ऊपर आती है उसको रिफ्लेक्ट करके और वेसल के ऊपर डालता है और इसके अंदर रखा हुआ खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो ये हुआ तरीका सोलार कुकर से हम सन की हीट के हेल्प से अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास फाइव फ्यूल्स हैं जिनसे हम हमारा खाना तैयार कर सकते हैं बर्न करके। तो रीड दिस एंड लर्न अबाउट देम। थैंक यू।